नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी आप सबका स्वागत करती हूं वायरल वर्सेस फैक्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी न्यूज कवरेज को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इस मामले में कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इसकी जानकारी देने को कहा है कि उसने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत की मौत के मामले में मीडिया ट्रायल से संबंधित शिकायतों पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं शुरू करी है या कोई कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की है। एनबीए ने कोर्ट से कहा कि रिपब्लिक चैनल यानी कि रिपब्लिक टीवी जो है वो एनबीए के नियमों का पालन नहीं करना चाहता है, वो बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहा है, उनको कहा गया था उसके बावजूद इस वजह से वो एसोसिएशन से उनको रिपब्लिक टीवी ने अलग कर दिया है। वहीं सुनवाई में एनबीए और एनबीएसए यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने बताया कि चैनल के लिए स्वनियामक तंत्र लगने का काम वो कर रहे हैं। बता दें कि कई पूर्व आईपीएस अधिकारियों समेत नामी हस्तियों की तरफ से दाखिल इन याचिकाओं पर जितने भी मीडिया ट्रायल्स हैं उनको रोकने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की बेंच यानी कि जितनी भी सुनवाई हुई है उसमें वो कहते हैं कि यदि सरकारी अधिकारी कोई गलत काम करता है तो उसे भी वहां से हटा देने का प्रावधान है। यही व्यवस्था निजी कर्मचारियों के लिए भी है। पीठ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की हालिया टिप्पणी को हवाला देते हुए कहा है कि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने सरकार को कहा कि वो प्रेस के जितने भी आत्मनियम के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं उस पे वो कार्य करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने कार्यवाही को लेकर भी वैधानिक तरीके से व्यवस्था नहीं बनाई है। चैनल के बारे में शिकायतें मिलने के बाद नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन को भेजा जाता है और जिसपे वो आगे की कार्यवाही करते हैं। यदि वो कार्यवाही नहीं करते हैं तो सरकार कार्यवाही करती है। तो ये थी अब तक की सुशांत सिंह राजपूत के केस की अपडेट। पर अगर न्यूज चैनल कोई भी हो या कोई भी जर्नलिस्ट हो या कोई भी जर्नलिज्म से रिलेटेड पेपर हो, अगर वो सच्चाई दिखाना चाहता है, अगर वो किसी के लिए इंसाफ की मांग करता है, तो वो क्या गलत है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज की मीडिया पे। खैर, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।